आखिरकार क्या है हार्दिक पांड्या और 5 करोड़ की घड़ियों का मामला। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं टीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, दुबई से लौटे भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की करोड़ों की घड़ियां मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त की है। बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के पास न तो इन घड़ियों के बिल थे और न ही उन्होंने अपने सामान में इनका जिक्र किया था। अब जबकि ये विवाद इतना बढ़ चुका है, इसके बाद खुद हार्दिक पांड्या ने एक ट्वीट जारी कर इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने इन घड़ियों से जुड़े दस्तावेज कस्टम विभाग को सौंपे हैं और इन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हार्दिक पांड्या और उनसे जुड़े इन 5 करोड़ की घड़ियों का ये मामला आखिरकार क्या है, और इससे पहले भी हार्दिक पांड्या किन वजहों से विवादों में रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार हार्दिक पांड्या ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी है। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर लिखा है कि दुबई से मुंबई एयरपोर्ट आने के बाद मैं खुद ही अपना सामान लेकर कस्टम काउंटर पर गया था। मैंने दुबई से खरीदे गए आइटम्स की जानकारी उन्हें दी और कस्टम ड्यूटी भी अदा की। इस डिक्लेरेशन के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं। कस्टम डिपार्टमेंट ने मुझसे 25 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जिन्हें मैंने सबमिट कर दिया। मैं भारतीय कानून का सम्मान करता हूं। सोशल मीडिया पर दुबई में खरीदी गई घड़ियों की कीमत बताई गई है, वो गलत है। मैंने नियमों के अनुसार ही घड़ियां खरीदी हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। आपको बताएं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही थी कि हार्दिक पांड्या के पास से 5 करोड़ की घड़ियां जब्त हुई हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने इस डिक्लेरेशन में लिखा है कि इन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ रुपए है। आगे हार्दिक पांड्या ने कहा कि नियमों के अनुसार जो भी उस पर टैक्स लगता है वो पे किया गया है। मैं देश के कानून का पालन करने वाला इंसान हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग करूंगा। इस मामले में जिन लीगल डॉक्यूमेंट्स की उन्हें जरूरत होगी मैं उन्हें मुहैया कराऊंगा। मुझ पर कानून का उल्लंघन करने का जो भी आरोप लग रहा है वो गलत है। तो फिलहाल तो इस मामले को लेकर हार्दिक पांड्या ने अपनी सफाई दे दी है कि वे भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं और वे भी भारत के कानून का पालन करते हैं और इन घड़ियों से जुड़े इस मामले में वे मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2019 में हार्दिक पांड्या ने कॉफी विद करण शो में अपने साथी खिलाड़ी केएल राहुल के साथ मिलकर महिलाओं को लेकर भद्दे कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्हें नेशनल टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। खैर, उन्होंने बाद में इस मामले को लेकर माफी मांगी थी, जिसके बाद उन पर से अस्थायी तौर पर यह प्रतिबंध हटा दिया गया था। अब अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या ही नहीं बल्कि उनके भाई कृणाल पांड्या भी विवादों में रह चुके हैं। साल 2020 में हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या के पास से भी लग्जरी घड़ियां बरामद हुई थी, जिसके बाद DRI अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया था। खैर, बाद में इस मामले को कस्टम विभाग को सौंप दिया गया था। अभी फिलहाल बात करें तो इन घड़ियों को लेकर ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका था। इसी बीच अब हार्दिक पांड्या ने इस मामले पर अपनी सफाई दे दी है कि इन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए हैं और इन घड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेज जो हैं वो मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट को वो सौंप चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो T20 विश्व कप 2021 में भी हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं थे और वे इस पूरे ही टूर्नामेंट के दौरान पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उनके बल्ले से 5 मैचेस में केवल 69 रन निकले थे और उनकी जगह अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया है और उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया है। दोस्तों, फिलहाल करोड़ों की घड़ियों से जुड़े इस मामले में हार्दिक पांड्या ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन इससे पहले ये मामला विवादों में इस वजह से था कि भारत के स्टार क्रिकेट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास से करोड़ों की घड़ियां जब्त हुई हैं और उनके पास इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स तक नहीं थे, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सुर्खियों में था और तमाम अफवाहें फैल रही थी, जिस पर अब हार्दिक पांड्या ने अपनी सफाई दे दी है। सवाल तो ये तक खड़े हो रहे थे कि क्या इन घड़ियों को हार्दिक पांड्या ने इलीगल तौर पर रखा हुआ था। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।